सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स, और सिंपल सी हाउसवाइफ होने के बावजूद आज इस बिजनेस को अच्छे से कर पाई क्योंकि मैंने डिसीजन लिया। दोस्तों आज से 7-8 साल पहले जब मैंने ये डिसीजन लिया था मुझे ये बिजनेस को करना है, तो दोस्तों बहुत सारे अपोज आ रहे थे, वो घर से ही अपोज आ रहे थे, लेकिन फिर भी डटे रहे और करते रहे। तो दोस्तों आज कामयाबी की बात करें, 7 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ इस बिजनेस को और लगभग 9 फॉरेन टूर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इनकम की बात करूं तो 8 से 10 लाख के बीच में हर महीना ले रही हूँ। और दोस्तों मेरे साथ मेरे एंटायर टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम को यहाँ पर ले रहे हैं। वो ही नहीं दोस्तों, फॉरेन टूर भी बहुत सारे कर लिए, साथ में मिलके 300 से ज्यादा लोगों ने फॉरेन टूर किए, और दोस्तों 100 से ज्यादा गाड़ियां, कार जिसे बोलते हैं, वो भी अचीव कर लिए। तो इतना बड़ा ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करूंगी। एक बंदा रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और ऐसे 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 कर रहा था। तो किसी ने सामने से उसको देखा, बोला उसका हाथ खा लिए, जाकर पूछा भाई तू ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है? बोले देख नहीं रहे हो मैं खा रहा हूं। बोले क्या खा रहे हो? बोले मूंगफली। बोले मूंगफली तो आपके हाथ में है नहीं, खा क्या रहे हो भाई साहब? बोले अरे मूंगफली नहीं है तो क्या हुआ, मैं सोच सोच के नहीं खा सकता। वो बंदा मुस्कुराया, बोले यार जरूर खा सकते हो सोच सोच के, लेकिन अगर सोच सोच के ही खाना है तो फिर मूंगफली क्यों, काजू बादाम पिस्ता क्यों नहीं यार? तो दोस्तों यही चीज होती है जब हम कुछ सोचने बैठते हैं, जब हमें कुछ डिजर्व करना है, कुछ चाहिए सोच में, ख्वाब में, ड्रीम में, दोस्तों उसको पाने के लिए भी बड़ी सोच होनी बहुत जरूरी है, और बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। एक पीपीटी शेयर करती हूँ दोस्तों, बड़ी सोच के बड़े जादू के साथ दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे ग्लोबली इस बिजनेस को जब हम करेंगे तो दोस्तों कैसे उसकी बड़ी पिक्चर वर्ल्ड वाइड मुझे करनी है। मैं यहां पर आपको मेरी पीपीटी शेयर कर रही हूं। यहां पर दोस्तों हम देखने जा रहे हैं एक बड़ा सा पिक्चर इस इंडस्ट्री का जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स यहां पर ये सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रही हूं, एक सेकेंड। फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है ना, इसकी ताकत जो है वो बहुत बड़ी है। इज इट विजिबल रूपल मैडम? ओके, चलिए दोस्तों, दोस्तों एक बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो इंडस्ट्री की बात हम करने जा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट दोस्तों? दोस्तों यहां पर जो मैंने दिया गया है वो 10 कंट्रीज, अलग अलग 10 कंट्रीज के यहां पर रिव्यूज हैं। आप देख पा रहे हो यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 35.21 बिलियन यूएस डॉलर का वो बिजनेस टर्नओवर कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ऐसे 10 कंट्री यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि ग्रोइंग कंपनीज है, ग्रोइंग कंट्रीज है दोस्तों। उसमें एक सबसे लास्ट में जो कंट्री है उसका नाम है ताइवान। दोस्तों बहुत छोटा सा, इंडिया के एक छोटे स्टेट से भी कम उसकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन दोस्तों वो भी कर रहा है यहाँ पे 3.65 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस टर्नओवर। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है फिर भी इतने छोटे पैमाने पे यहाँ पे ताइवान में हो रहा है। दोस्तों एक मजे की बात बता रही हूँ, इस 10 नाम में आप ढूंढ लीजिए यहाँ पे इंडिया कहीं भी नहीं है। दोस्तों इंडिया क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं, क्योंकि इंडिया अभी एक स्लीपिंग जायंट की तरह सोया हुआ है दोस्तों। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बिजनेस की। आज यहाँ पर हम जितने भी लोग देख रहे हैं, हो सकते हैं बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर इन्वाइटेड होंगे दोस्तों, ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी भी उतनी फैली नहीं है दोस्तों। इंडिया में सिर्फ 17,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, राइट, इस इंडस्ट्री में। जबकि सेम पॉपुलेशन वाला दूसरा कंट्री है चाइना, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपने से पॉपुलेशन में है, तो उसका टर्नओवर की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ की बात हो रही है। तो ये जो है दोस्तों वहां पे उतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है दोस्तों। कंपेयर करके देखिए कहां 17,000 और कहां 2,25,000 लाख
करोड़ राइट तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जगह पे एक और चीज यहाँ पे हमें चौंका देने वाली आंकड़े मिल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि यूएसए जो है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 करोड़ है दोस्तों, फिर भी वहां पे सेम लेवल पे ये बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस क्यों दोस्तों? वास्ट डिफरेंस की वजह ये है कि यहाँ पे एक कन्वर्जन रेशियो है दोस्तों। जो अवेयरनेस होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की जो अवेयरनेस है, इंडिया में कम है, चाइना में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन सबसे ज्यादा यूएसए में है दोस्तों, जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है राइट। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यूएसए में 8 लोगों में से 1 बंदा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करता है और सेल्फ मल्टीमिलियनर बन रहा है, जबकि इंडिया में वही रेशियो 225 में 1 बंदा डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट। तो दोस्तों ये रेशियो में भले ही 10 कंट्री में हम नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो दुनिया है उसके अंदर दोस्तों हमारा 15वां रैंक है। 15th रैंक में इंडिया कंट्री आती है। तो दोस्तों अभी इंडिया में 17,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, ये 15वीं रैंक पे है। पर दोस्तों एक और चीज अच्छी है हमारे लिए कि अब इंडिया भी जाग चुका है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, हमारे यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, जो लोग जुड़ रहे हैं इस बिजनेस को लेके, लोगों का जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो हमारा नंबर उसमें 6वें नंबर पे है। लोग अवेयर हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पे 57 से 58 लाख लोग हर साल इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। 74% वुमेन और 26% मैन का रेशियो भी है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी हम फोकस कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रोजेक्शन है कि 2025 में यही इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने जा रही है, जो आज 17,000 की है। सोच के देखना है दोस्तों, हमें अपने आप को यहाँ पे कनेक्ट करना है। 17,000 से 64,500 करोड़ की होने वाली इंडस्ट्री में हम अपना क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों उसी जगह पे जोरदार तालियों से मैं ये चीज को बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही प्लेटफॉर्म जो चाहिए, एक सही राइट आपको वे चाहिए, तो वो सही प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। क्यों दोस्तों? क्योंकि 25 साल से ये बिजनेस को बहुत ही अच्छे से रन कर रहे हैं हमारे समीर मोदी जी। 1996 से ये बिजनेस चल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये 25 सालों में हमारा जो मोदी केयर है वो इंडिया में टॉप नंबर 1 पे आ चुका है, नंबर 1 की पोजीशन ले चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और चीजें जानते हैं इसके बारे में, मोदी केयर की जर्नी के बारे में। दोस्तों 25 साल से इंडस्ट्री है, आज टॉप के ऊपर मोदी केयर का नाम है, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर लास्ट 6 साल का ही रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लास्ट ईयर ना पेंडेमिक भी रहा, सिचुएशन वर्स थे, लेकिन फिर भी 2014-15 में जो बिजनेस मोदी केयर 95 करोड़ का था दोस्तों, आज 2019-20 में वो 1500 करोड़ का हुआ, और इन पेंडेमिक सिचुएशन भी वो 100% ग्रोथ में रहा दोस्तों। 2020-21 का अगर हम देखें टर्नओवर, तो 2000 करोड़ का मोदी केयर का टर्नओवर है। ये बहुत प्राउड की बात है दोस्तों। जब सही प्लेटफॉर्म सही इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। टाइम भी सही है, आज बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है सही टाइमिंग में। अगर अपॉर्चुनिटी की किसी को हम शेयरिंग करेंगे तो दोस्तों वो सही तरीके से उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। ये राइट टाइमिंग है इस बिजनेस को करने की, मोदी केयर को करने की दोस्तों। कंपनी भी बहुत सही है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन के साथ साथ हमारे समीर मोदी जी इसको बच्चे की तरह पाल रहे हैं, और ये बच्चा अभी 25 साल का हो चुका है। तो ये कंपनी को अगर आप चुनते हो तो डेफिनेटली बहुत सही जाओगे दोस्तों। राइट प्रोडक्ट है, आज तक कभी भी किसी भी कंपनी में सेटिस्फेक्शन गारंटी विद एमडी के सिग्नेचर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें वो भी मिल रहा है। प्लान जो है इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है, 62% पे आउट के साथ। ट्रेनिंग में SPBM चला रही है कंपनी, जो कि सबसे बेस्ट यहाँ पर हमको मिल रहा है दोस्तों। तो इन सब के साथ अगर राइट चॉइस हमने कर ली मोदी केयर, तो अब करना क्या है? सिलेक्शन तो हो गया दोस्तों, हमने सोच लिया कि हम मोदी केयर ही करेंगे, तो वाई मोदी केयर, हाउ वी कैन सक्सेसफुल इन मोदी केयर दोस्तों। 3 से 5 साल का बिजनेस है। जब बाहर की दुनिया में लोग अपने 50-60 साल इस बिजनेस अपने बिजनेस को ग्रो करने में या अपनी लाइफ को सेट करने में लगा देते हैं, मोदी केयर आपने अगर दिल से कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ 3 से 5 साल कर दिया ना दोस्तों, उस वक्त अगर ये आपने सही किया, और कैसे सही करेंगे तो दोस्तों उसमें राइट विजन रखे, क्यों कर रहे हो मोदी केयर, राइट डायरेक्शन रखे, राइट सिस्टम के साथ कीजिए, राइट नॉलेज लीजिए इसका, राइट स्किलों को डेवलप कीजिए अपने आप में, एटीट्यूड को एकदम सही करिए, हैबिट्स आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी जब इसमें आप जुड़ जाओगे। राइट प्लानिंग करनी है
दोस्तों राइट एक्शन और राइट एक्टिविटी के साथ 3 से 5 साल में अनबिलीवेबल सक्सेस आप पा सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और हम अपने आप को अगर देखना चाहें कि आगे होगा क्या, हम ये सब अगर कर लें तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट दोस्तों। 2021 में जो बंदा 10,000 कमा रहा है ना, वो 23 में 1.5 लाख और 25 में 3 लाख तक 100% पहुंचेगा, ये रेशियो बता रहा है। जो बंदा आज 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, वो 6, 8, 12 2023 में और 25 तक पहुंचते पहुंचते 12 लाख 16 लाख 24 लाख तक पहुंच सकता है। फ्रेंड्स ये प्रूवन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब हमारे पास एक ही डिसीजन बाकी है, वो है खुद से लेना। दोस्तों अपने आप को ये क्वेश्चन कीजिए, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री की पिक्चर है तो अपने आप को जवाब दीजिए, अगर मोदी के नहीं तो और क्या, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। ये हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, तो सबसे पहले पहला कदम लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर हमारे समीर मोदी जी ने हम सबकी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको स्लोगन भी दिए हैं, कैसे काम करोगे, सोच बदलो अपनी, बहुत जरूरी है दोस्तों। खुद को बदलना है और अपनी दुनिया को भी बदलना है दोस्तों। मैं यहाँ पर अपने आप को बदलता हुआ देख चुकी हूँ, अपनी एंटायर टीम को बदलता देख चुकी हूं, क्योंकि क्योंकि मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी मेरे अल्पेश गज्जर सर ने, मेरे मेंटर ने। मैं सुरेखा मैम को थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने इस बिजनेस को हमें समझाया, हमें कैसे करना है हमें बताया, इसे प्लेटफॉर्म पे हमें प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू बोलना चाहूंगी समीर मोदी जी का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की, एंटायर माई लवली टीम मोदी केयर मैनेजमेंट सबको थैंक यू कहना चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रुपल मैम।